नमस्कार। आज फिर से आपके सामने मैं उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर, जो ना सिर्फ व्यवहारिक है बल्कि वर्तमान समय में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो रोगों से लड़ने के लिए हमें प्रेरित करती है, वह कम क्यों होती जा रही है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों पड़ती जा रही है, या हम धराशायी क्यों हो जाते हैं। जिसको अगर अंग्रेजी में बोले तो हमारा जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वह कमजोर क्यों होता जा रहा है। और इसके कई कारण हैं और आज हम उन्हीं कारणों की पड़ताल करेंगे। और इसमें एक दो कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं, तो देखते हैं कितना कारणों पर हम बात कर पाते हैं। सबसे पहला जो कारण मुझे समझ में आता है वह यह है कि हमारा जो जीवन है वह कृत्रिम हो चुका है। आर्टिफिशियल लाइफ में हम जी रहे हैं, बनावटी लाइफ में हम जी रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि सब कुछ बनावटी है, सब कुछ बाजार के द्वारा बनाया गया है और विज्ञापन के द्वारा हम पे थोप दिया गया है, और हम अभिशप्त है उन सब चीजों का प्रयोग करने में। मसलन अगर मैं उदाहरण दूं तो हम लोग घर में रहते हैं तो रूम फ्रेशनर का यूज करते हैं, बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम फ्रेशनर का यूज करते हैं, कार में जाते हैं कार फ्रेशनर का यूज करते हैं, ऑफिस में जाते हैं ऑफिस फ्रेशनर का यूज करते हैं, घर में भी एसी, कार में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, इवन कि हम लोग जिम भी जाते हैं, वो भी एक बंद वातावरण या कृत्रिम वातावरण होता है। तो हम कहीं से भी प्रकृति के संपर्क में आते ही नहीं। भाई, हमारे शरीर की जो बदबू है, जिसे हम बदबू कहते हैं तथाकथित रूप से, प्रकृति ने उसे कोई नाम नहीं दिया, लेकिन जो पसीने की बदबू है वह भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार होता है, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं होता और हम लड़ते हैं, उस वातावरण में रहते हैं तो हमें ताकत मिलती है, लेकिन अब डीओ वगैरह प्रयोग करके उसको भी खत्म कर देते हैं। उसी तरह से घर की जो या आसपास बाहर का जो सुगंध होता है, जिसे दुर्गंध भी लोग कहते हैं, वह भी हमें लड़ने की क्षमता देता है। बाथरूम में जो दुर्गंध होती है वो भी लड़ने की क्षमता देता है, लड़ने के लिए प्रेरित करता है, और हम लड़ते भी हैं। तो जितने भी लड़ने की जगह थे, जितने भी जगह थे जहां पे हमारा प्रतिरोधक क्षमता या लड़ने की क्षमता बढ़ती थी, हमने तमाम को शांत कर दिया, डीओ लगा के, फ्रेशनर लगाकर, एसी लगाकर, पसीना आने ही नहीं देते, तुरंत एसी में आ जाते हैं। तो जो गर्मी से लड़ते थे, बरसात से लड़ते थे, जाड़ा से लड़ते थे, अब वो लड़ाई बंद हो चुकी है, क्योंकि कृत्रिमता आ गई है। सब जगह पे हमने ऐसे ऐसे वस्तुओं का इजाद किया है, ऐसे ऐसे वस्तुओं को लगा दिया है कि अब हमें मौसम का पता भी नहीं चलता, कब मौसम बीता, कब मौसम बदला, हमें बहुत कुछ नहीं पता होता है, बस कैलेंडर के अनुसार हम मौसम का अनुमान लगा लेते हैं। तो यह जो कृत्रिमता है, यह जो बनावटीपन है जिसमें हम जी रहे हैं, यह हमें कहीं ना कहीं से कमजोर करता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी यह कमजोर करता है, जिसके कारण हम धराशायी हो जाते हैं, हम सही से लड़ाई नहीं कर पाते। तो यह था पहला कारण। उसके बाद अगर अगले कारण पे अगर हम बात करें तो अगले कारण के रूप में जो कारण मुझे समझ में आता है वह यह है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, वह प्रोसेस्ड है। हमारी जीवन शैली अत्यधिक प्रोसेस्ड मटेरियल पर आधारित हो चुकी है। प्रोसेस्ड मटेरियल मतलब कि वैसा खाद्य पदार्थ, वैसा पेय पदार्थ जो कि नेचुरल ना होकर, फर्स्ट हैंड ना होकर, कई चरणों से गुजर कर हमारे पास पहुंचता है। इसका यह परिणाम होता है कि जो विशुद्ध प्राकृतिक चीजें हैं उससे हम कट जाते हैं, यानी प्राकृतिक स्वाद, प्राकृतिक गुण, सबको हम लोग चेंज कर देते हैं, और फिर उसका कुछ साइंटिफिक, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ सोशल कारण हम बता देते हैं, और अंततः हम बाजार के विज्ञापन और बाजार के जो संचार व्यवस्था है उसके अधीन आ जाते हैं। और इस तरह की जो प्रोसेस्ड होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनकी जो प्रत्येक गुण है वह खो जाती है। पानी हम लोग आरओ का पीते हैं, अब वह नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप से विशुद्ध पानी नहीं होता है, उसका टेस्ट भी चेंज होता है, उसकी स्मेल भी चेंज होती है, उसकी जो गुणवत्ता है वह भी बदल जाती है। उसी प्रकार खाद्य पदार्थ, कई तरह के हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो ब्रेड है,
जो जैम है, इस तरह के कई खाद्य पदार्थ हैं वो प्रोसेस्ड है। तो हर जगह हम में जितनी क्षमताएं हैं या जितना हम में संभावना है, हर जगह हम प्रकृति से कटते हैं और नेचुरल चीजों से हम दूर होते जाते हैं। इसीलिए आज जो नेचुरल चीज है, जो कीटाणु या वायरस नेचुरली आ रहा है, प्राकृतिक रूप से आ रहा है, उससे हम नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो तो प्रकृति से बना है, नेचर के अनुसार वो बदल जा रहा है। हम नहीं बदल पा रहे हैं क्योंकि हमने खुद को बदलना बंद कर दिया है, हम कॉन्स्टेंट हो गए हैं खाने से भी, पीने से भी, व्यवहार से भी। तो ये भी मुझे लगता है कि जो प्रोसेस मटेरियल हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, सब्जियों को भी जब बनाते हैं तो बहुत ज्यादा अत्यधिक उसमें मसाला तलना भूनना एक्सेसिव करते हैं, तो ये सब जो प्रोसेसिंग, जो खाद्य सामग्री है, पेय वस्तु है, ये भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है या कमजोर करती है। उसके बाद अगर अगले कारण की ओर बढ़े तो अगले कारण के रूप में मुझे यह समझ में आता है कि हमारे दिन प्रतिदिन या दिनचर्या में शारीरिक श्रम कम होता जा रहा है, और इसके लिए हमने बहुत अच्छा अच्छा शब्दावली भी गढ़ रखा है, स्मार्ट वर्क। भाई स्मार्ट वर्क ठीक है, लेकिन व्हाट इज द लिमिट ऑफ स्मार्ट वर्क, ये कोई नहीं बताता। स्मार्ट वर्क करिए और जल्दी कामों को निपटारा दीजिए, लेकिन जल्दी में हम अपनी जो शारीरिक क्षमता विकसित हो सकती थी, जिस स्तर तक हम शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर सकते थे, अब हम वो नहीं कर पाए। हम कपड़े साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन रखे हैं, घर साफ करने के लिए कई बार मेट रख लेते हैं, या कुछ ऐसे उपकरण आ गए हैं जो घर की सफाई भी कर देते हैं। कहीं जाना हो तो कार्स, बाइक, स्कूटर, इसका प्रयोग करते हैं। यानी जहां भी संभावना होती है हम शारीरिक श्रम से बचते हैं, शारीरिक श्रम ना करना पड़े उसके लिए तमाम प्रवृत्तियां करते हैं, तमाम कोशिश करते हैं। पहले हम लोग हाथ से लिखते पढ़ते थे, अब वो भी सब ऑटोमेटिक हो गया है। तो जितना भी ये शारीरिक श्रम से बचने की जो हमारी आदत है वह हमें कमजोर ही करता है। शारीरिक श्रम करने से यह होता है कि हमारे शरीर से पसीने की स्राव होती है, पसीना बाहर निकलता है और वह हमें मजबूत करता है और आसपास के वातावरण के अनुसार अनुकूलन करता है, जिसको हम लोग एक्लिमेटाइजेशन भी कहते हैं। अब वह अनुकूलन बंद हो चुका है, अब हमें दिक्कत यह होती है कि हमारे शरीर की लड़ने की ताकत इसके कारण भी कम होता है। जिम भी हम लोग जाते हैं तो वहां म्यूजिक सिस्टम या तमाम तरह के अलग ही वातावरण में वर्कआउट करते हैं। यानी फैशन के लिए तो हम लोग शरीर बनाते हैं, लेकिन मजबूती के लिए नहीं बनाते। दिखाने वाले शरीर तो बना लेते हैं, लेकिन लड़ने वाला शरीर नहीं बना पाते। तो यह भी एक कारण है, शारीरिक या फिजिकल वर्क में जो कमी आई है वह भी एक कारण है। और अगर अगले कारण की बात करें तो हमने बाहर वातावरण, बाहर का जो वातावरण है उसको अत्यधिक दूषित कर रखा है। एक तरफ तो हमने अपने जीवन में कृत्रिमता घोल डाला है, दूसरी तरफ जहां से हम कुछ नेचुरल चीज प्राप्त कर सकते थे या जहां हमारे शरीर में कमी है उसकी जो हीलिंग हो सकती थी वह भी हमने इतना बुरा कर रखा है कि वहां से भी हम हील नहीं हो पाते। हमने हवा को दुर्गंधित किया, प्रदूषित किया, पानी को प्रदूषित किया, जल जीवन जमीन को प्रदूषित किया, जंगल को प्रदूषित किया, उसकी संख्या कम कर दी। तो कहीं से भी हमारे लिए वो संभावना के आसार हमने कम करते ही गए, कहीं संभावना के जो आसार थे उसे ज्यादा नहीं छोड़ा। यही वजह है कि कहीं से संभावना के रूप में हम कुछ प्राप्त कर भी सकते थे वो नहीं हो पा रही है। और इसमें मैं कहूंगा कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े बड़े उत्पादकों ने हमें वस्तुओं की आदत लगाई, उन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पर्यावरण को दूषित भी किया। यानी एक तरफ तो हमें कमजोर किया, दूसरी तरफ हमें जो नेचुरल रूप से मजबूती मिल सकती थी वहां भी कमजोरी कर दिया, और उसके भी जो कहते हैं ना कि अल्टरनेट के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था कर दी, दवाओं की व्यवस्था कर दी कि बीमार हुई दवा खाई। यानी हर तरह से हमारी निर्भरता जो है इस व्यवस्था में बन गई,
यानी प्राकृतिक रूप से हम कुछ पाने में या खुद को ठीक करने में जो हमारी क्षमता थी वो दिन प्रतिदिन घटती गई और इसका हमें पता भी नहीं चला। और आज ये स्थिति है कि हकीकत सामने आ रही है। तो ये भी एक कारण है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के ह्रास होने का कि बाहर का वातावरण ही इतना दूषित है, पहले से हम लोग कमजोर हैं या खोखले हैं, बस एक धक्के की जरूरत है और भरभरा के गिर, क्योंकि हवा दूषित है, पानी दूषित है, साउंड पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण है। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद अगले कारण की बात करें तो वह भी मुझे काफी वाजिब लगता है और काफी सही लगता है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो चावल दाल खा रहे हैं, वह भी अत्यधिक फर्टिलाइजर और उर्वरक डाल के पैदा किया जाता है, यानी कि वह भी नेचुरली पैदा नहीं होता, उसमें भी केमिकल के अंश बहुत ज्यादा होते हैं। फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, वीडिसाइड है, फंगिसाइड है। तो इन सारे चीजों का जब मिश्रण होता है और उससे जब पैदावार होता है तो वह अपनी जो ताकत दे सकता था मुझे खाने के बाद वह नहीं दे पाता है, यानी वह भी एक कृत्रिम वातावरण में डेवलप्ड है, यानी ऑर्गेनिक फूड हमें नहीं मिल पाता है और ये जो सिंथेटिक फूड है वो हम ज्यादा खाते हैं, जो कि एक खास परिस्थिति में उपजाया जाता है। तो ये भी एक कारण मुझे समझ में आता है जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमजोर होती जा रही है। और अगर अगले कारण की ओर बात करें तो ये भी मुझे बहुत मुनासिब लगता है, या मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है कि हमारी जो दिनचर्या है वह भी बहुत बदली है। देर रात तक जगना, सुबह देर तक सोए रहना, यह जो सुबह देर तक सोए रहना, यह जो हमारी दिनचर्या है वह इस तरह से बदली है कि हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं वह बदल गई है। रात देर तक जगना से यह होता है कि हमें देर तक हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, हमारी इंद्रियां जागी रहती हैं, आंख जागे रहते हैं, कान जागे रहते हैं, हाथ काम करता रहता है, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे खेल हो, चाहे टीवी देखना हो, कुछ भी हो, और सुबह देर तक सोए रहते हैं, तो जो ब्रह्मांड की अखंड ऊर्जा है उसके अनुसार हमारा नहीं होता, उससे हम उसका जो सेंटर पॉइंट है हमारा जो है वो अलग हो जाता है, क्योंकि हम अपने अनुसार, भाई प्रकृति ने तो रात बनाया है, यानी 10 बजे 9 बजे के बाद आप सो जाइए, 10 बजे तक हार्डली सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, हार्डली 6 बजे तक उठ जाइए, तो ठीक है। लेकिन आप उसको चुनौती देते हैं ब्रह्मांड का, यानी कि जब दिन होता है तब आप रात बना देते हैं, जब रात होता है तो उसको दिन समझते हैं, तो फिर उसके केंद्र से आपका केंद्र अलग होता है। तो हम वहां से भी जो कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी है, वहां से भी हमें ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो हम उससे भी हाथ धो बैठते हैं, और उसका कारण यह है कि जो मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, डिसऑर्डर होता है, उसके कारण भी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। तो एक सही दिनचर्या का जो अनुपालन है वह बहुत जरूरी है रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। उसके बाद अगर अगले विकल्प या अगले उपाय के बारे में बात करें जिसके कारण हमारी लड़ने की क्षमता या रोगों से लड़ने की क्षमता कमी है, तो वह यह है कि इस मेटाबॉलिज्म के चक्कर में, भौतिकवाद के चक्कर में, जिसमें वस्तु प्रधान जीवन हम जीने लगे हैं, हम अत्यधिक वस्तुओं के पीछे भागने लगे हैं और इस तरह हम दबाव में काम करते हैं और उसका कोई अंत नहीं है। जितना भी हम कमाते हैं हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और ज्यादा कमाने की फिराक में हम अपने ऊपर दबाव पर दबाव बढ़ाते जाते हैं। ऑफिस के काम को घर पर ले आते हैं, घर में जो हम परिवार को समय दे सकते थे, दोस्तों को समय दे सकते हैं, वो हम नहीं देते हैं, जिसके कारण हम जो अलग अलग वातावरण में जब जाते हैं तो हमारा शरीर भी अलग अलग तरीके से बर्ताव करता है। हम परिवार को समय देते हैं तो मन अच्छा होता है, दोस्त से बात करते हैं तो जो पारिवारिक दर्द होता है वो कम होता है, ऑफिस में फिर अच्छा जाते हैं तो अच्छे से काम करते हैं, लेकिन हर जगह काम करें ताकि महीने के अंत में या दिन के अंत में एक अच्छा अमाउंट ऑफ, जो कहते हैं आर्थिक रूप से हम मजबूत हों, अमाउंट ऑफ मनी देखने को मिले, इस सोच के साथ जब हम जीने लगते हैं तो हम अपने शरीर से समझौता कर बैठते हैं। बैंक में तो पैसा भर देते हैं लेकिन शरीर कमजोर हो जाता है। तो ये जो दिक्कत है यह बहुत बड़ी चुनौती है और अत्यधिक लोग, ज्यादातर लोग इस मनोदशा में काम करते हैं जैसे कि कल होगा ही नहीं या आज ही जितना कमाना है कमा लो। इसमें हमारे महापुरुषों ने बहुत अच्छा बोला है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और पृथ्वी में इतनी संसाधन है कि हर की जरूरत पूरा कर सकती है, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने में इसके पास उतनी संसाधन नहीं है। तो
तो हमें यह सोचना होगा कि जरूरी क्या है और जरूरत क्या है, इसमें अंतर करना होगा। तो यह भी एक कारण है कि हम अपने माइंडसेट या अपने वातावरण को बदलने में नाकाम होते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं अंदर से। हमारी चाहत का कोई अंत नहीं होता और वो चाहत जो है वो कमजोरी में बदल जाता है और हमारे साइकोलॉजिकल रूप से हमें कमजोर करता है। हमारा जो लड़ने की क्षमता है रोग से वह कमजोर हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दफ्तर का काम करेंगे तो यस मैन बन के रह जाएंगे आगे बढ़ने के चक्कर में। और यस मैन यानी कि हर चीज को यस, नकारात्मक चीजों को भी यस, और वो यस बीमारियों के सामने भी यस हो जाता है। तो जब हम खुद लड़ने में विश्वास नहीं करेंगे, बुराई को बुराई नहीं कहेंगे, अच्छाई को अच्छाई नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो हम खुद कैसे मजबूत होंगे, हमारा शरीर कैसे मजबूत होगा, हमारा मनोदशा कैसे मजबूत होगा। तो ये भी एक कारण है कि हम अत्यधिक भौतिकवादी होते जा रहे हैं। और अगर अगले कारण की हम बात करें तो उसी पहले वाले विवरण से ही मैं अलग इसलिए कह रहा हूं ताकि स्पष्ट समझ में आए, जो हमारा यस मैनशिप है, सबके सामने घुटने टेक देना। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर EMI का बोझ, हमारे ऊपर परिवार का बोझ, हमारे ऊपर नौकरी बचाए रखने का बोझ है। लेकिन ये बोझ उस महत्वाकांक्षा में छिपा होता है जो कि हम चाहते हैं कि अगले 2 साल में हम वहां पहुंच जाएं, अगले 2 साल में इतना कमा लें, अगले 2 साल में इतने सारे कस्टमर हमारे जुड़ जाएं। तो महत्वाकांक्षा या लालच कह लें या उसको आगे बढ़ना कह लें या विकास कह लें, जो भी नाम आप दे लें, लेकिन जिस तरह से हम चुपचाप यस मैन होते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा शरीर भी तो कमजोर होता है। हम अगर खुद अपने मुंह से किसी से नहीं लड़ेंगे, लड़ने का मतलब ना नहीं कहने की क्षमता रखेंगे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, सही को सही नहीं बोलेंगे, तो हमारा शरीर कैसे लड़ेगा या हमारे शरीर में वो ऊर्जा कहां से आएगी कि वो लड़ सकता है। वो अभी तो यस बोलना सीख जाएगा धीरे धीरे, शरीर भी घुटने टेक देगा जैसे हम टेकते हैं। इसलिए अपनी रीढ़ की हड्डी बचाए रखना बहुत जरूरी है। अगर रीढ़ की हड्डी बची है तो आपकी जो लड़ने की ताकत है रोग से वह भी बची रहेगी, ना सिर्फ बची रहेगी बल्कि और मजबूत होगी। तो ये बहुत जरूरी बिंदु है। उसके बाद अगर और अगले कुछ उपायों की अगले कुछ और कारण की बात करें थोड़ा सा, तो हम बहुत दबाव में लाइफ जीते हैं। दबाव मतलब कि जो अभी हम थोड़े से चर्चा किए थे कि हम तमाम तरह के जो हमारा जो कहते हैं ना भौतिकवादी जिंदगी में हम तमाम तरह के EMI वगैरह ले लेते हैं, घर के लिए, गाड़ी के लिए, ऐसे ऐसे अनर्गल चीज के लिए जो बस दिखावा मात्र है, जरूरत से उसका कोई या जरूरी से वो सरोकार नहीं रखता है। मतलब कोई इलाज हो, कोई शादी हो, इस तरह की कोई जरूरी कार्य हो तो ठीक है, लेकिन कुछ भौतिक चीजें TV EMI पे ले लेना, फ्रिज ले लेना, वॉशिंग मशीन ले लेना, तो हमारे ऊपर एक दबाव होता है और हम उस दबाव में काम करते हैं। और वो दबाव यह होता है कि कब EMI खत्म होगा, लेकिन जैसे ही खत्म होना होता है या उससे पहले ही हम दूसरा प्लान कर बैठते हैं क्योंकि हमारे जीवन शैली का वो हिस्सा हो चुका है। तो हम कभी दबाव से निवृत्ति हो ही नहीं पाते हैं। और इस दबाव में ना तो हम छुट्टी लेते हैं, ना काम के प्रति थोड़ा सा मुंह मोड़ पाते हैं, हमेशा काम के प्रति सक्रिय रहते हैं कि भाई नौकरी बची रहे। और इस सक्रियता में हमारी जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो कमजोर हो जाती है और हमारा इम्यूनिटी भी कमजोर होता है, क्योंकि हमेशा दबाव में रहना, चिंतित रहना, प्रेशराइज रहना, भयभीत रहना, आशंकित रहना, सशंकित रहना, यह प्रतिरोधक क्षमता को नीचे लेके जाती है। तो यह भी एक वजह है जिसके कारण हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कम गया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण जो मेरे दिमाग में आ रहा है वह यह है कि हम जो व्यायाम है, जो योगा है, प्राणायाम है, इससे भी कटते जा रहे हैं। हम लोग इसको फैशन के तौर पर लेते हैं, अच्छे अच्छे ट्रैक सूट जरूर खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, ब्रांडेड जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छा खासा पे भी कर देते हैं, फोटो भी पोस्ट कर देते हैं फेसबुक वगैरह पे, लेकिन रियल में हम लोग करते नहीं। सब कुछ ठीक है लेकिन अगर हम उसके साथ करें भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ना योगा में जाते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ना दौड़ते हैं, ना भागते हैं, और सब कुछ लगता है कि बस कोई चमत्कार होगा और हम अपने आप हमारे अंदर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चमत्कार नाम की चीज नहीं होती है, करना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, लेकिन वस्तुगत चमत्कार कुछ ऐसा होता है, मुझे तो अभी तक ऐसा संज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि हर चीज मेहनत से ही मिलता है ये मुझे लगता है। मेहनत और काबिलियत जरूरी है, चमत्कार का मुझे पता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा समय अगर
फिजिकल फिटनेस के लिए दिया जाए, जिसमें योगा, प्राणायाम, दौड़ना, भागना, उछल कूद, पसीना बहाना हो, तो ये सही है। ये ना करने के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसके कारण भी इम्यूनिटी वीक हुई है। उसके बाद अगर और कारणों की बात करें तो ये कारण मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप में आ रहा है, जो हम देखते हैं लोगों को, कि उनकी जीवन शैली एकांकी होती जा रही है। सुख में भी अकेले, दुख में भी अकेले, हमेशा मोबाइल पे अकेले, टीवी अकेले। यह एकांकी जीवन आदमी को घुटन की ओर ले जाता है, घबराहट की ओर ले जाता है और अनिश्चितता की ओर ले जाता है। और इस तरह के नकारात्मक चीजें जब आप में घर करने लगेगा तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरेगी, कमेगी, आपकी लड़ने की क्षमता कमेगी। समूह में जब होता है, सैनिक कभी अकेले इतना अच्छा नहीं लड़ता है जितना समूह में लड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे लड़ने से हो सकता है चार लोगों की जीवन बच जाए। अगर आप में ये भावना है कि आपकी जीवन आपके लिए ही नहीं, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए मायने रखती है, तो आप एड़ी चोटी की लड़ाई करेंगे। लेकिन जिस दिन आपको लग जाएगा कि आपका तो ना आगे कोई देखने वाला, पीछे ना कोई आप पे निर्भर नहीं है, आप अकेले ही हैं, तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। और यह सोच वहां से आती है जहां पर आप अकेले ही सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, अकेले ही खाना चाहते हैं, अकेले ही पीना चाहते हैं, अकेले ही एंजॉय करना चाहते हैं, सारी कमाई अपने ऊपर ही आप खर्च करना चाहते हैं। तो ये प्रवृत्ति से निकलने का अच्छा साधन है कि आप जो भी कमाते हैं अपने परिवार, अपने समाज के लिए भी थोड़ा खर्च करिए, जिस और समाज से जुड़े रहिए, परिवार से भी जुड़े रहिए। इससे यह होगी कि आपको लगेगा कि कई लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप बुरे से बुरे वक्त में अकेले नहीं हैं, हमेशा समाज आपके साथ, हमेशा लोग आपके साथ है, और सबसे बड़ी बात ईश्वर आपके साथ है। तो ये भी एक कारण मुझे लगा जो आपके सामने मैंने रखा कि हमारा एकांकी जीवन, एकांकी जीवन शैली, यह भी एक बड़ी मतलब वजह है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है। और ज्यादातर जो रोग है अकेले में ही हावी होती है, ज्यादातर नकारात्मकता चीज अकेले में ही हावी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थे कुछ वजह जो मुझे समझ में आए, मैंने आपके सामने रखा, और उम्मीद है कि ये सब वजह आपका अच्छा खासा ज्ञान अर्जन करेगा, आपको ज्ञान देगा, और आप इसको सुनकर, देखकर आपकी जो ज्ञान की फलक है और विस्तारित होगी, और भी चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं, और भी चीज़ें आपके भी निष्कर्ष या मूल्यांकन में आप भी इसको विकसित कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ, और ऐसे ही हम इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करते रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगेगी। तो अपना खैरियत रखिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।